नमस्कार मैं हूं अगमा और आप देख रहे हैं सच की पड़ताल चार राज्यों के चुनावी नतीजों के बाद दौर है विश्लेषण का बीजेपी ने क्या सही किया कि जनता ने दिल खोलकर तीन राज्यों में उन्हें बहुमत दिया और कांग्रेस क्यों चूकी छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस बिल्कुल साफ हो गई है बीजेपी यहां बाजी मार ले गई ये कल से हम सब जान रहे हैं लेकिन आज मैं आपको बीजेपी की जीत की कुछ बारीकियों में ले चलती हूं आज आप उस माइक्रो मैनेजमेंट को समझेंगे कि कैसे बीजेपी को खास करके प्रधानमंत्री को महिलाओं और आदिवासियों का साथ मिला और कैसे बीजेपी को बंपर जीत मिली और कांग्रेस खाली हाथ रह गई। बीजेपी की महिलाएं कार्यकर्ता जश्न इसलिए मना रही हैं कि राजस्थान और मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक महिलाओं ने बीजेपी को ही अपनी लाडली पार्टी बनाया इन तीनों राज्यों में अगर बीजेपी का परचम लहरा रहा है तो इसके पीछे महिला वोटों का कमाल है तभी तो बीजेपी दफ्तर में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत के जश्न में शामिल हुए तो बार बार महिला शक्ति में अपनी भक्ति दिखाते रहे मैं आज विशेष रूप से देश की नारी शक्ति का अभिनंदन करूंगा रैलियों में मैं अक्सर कहता था कि इन चुनावों में नारी शक्ति ये ठान कर निकली है कि भाजपा का परचम लहराएगी और जब देश की नारी शक्ति किसी का सुरक्षा कवच बन जाए तो कैसी भी ताकत उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते बाहर बाहर तो दिख रहा है कि बीजेपी ने एक तरफ जहां मध्य प्रदेश में अपने किले को और मजबूत कर दिया वहीं राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को धराशायी भी कर दिया आखिर महिला वोटरों ने ऐसा क्या किया कि बीजेपी इस जीत की हैट्रिक को 2024 में भी जीत की हैट्रिक तो के रूप में गिनने लगी है कुछ लोग तो कह रहे हैं की आज की इस हैट्रिक ने चौबीस की हैट्रिक की गारंटी दे दी है पिछले 20 वर्षों से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है सिर्फ बीच में डेढ़ साल तक कांग्रेस के कमलनाथ मुख्यमंत्री रहे लेकिन इस बार मध्य प्रदेश के चुनाव में महिला वोटरों ने दो फीसदी ज्यादा वोटिंग की है उनमें भी चुनावी सर्वे करने वाली कंपनी एक्सेस माय इंडिया के मुताबिक बीजेपी को कांग्रेस की तुलना में महिलाओं के वोट पाँच से दस फीसदी तक ज्यादा मिले हैं इनमें लाडली बहन योजना ने सबसे अहम भूमिका निभाई है लाडली बहन योजना के मुताबिक महिलाओं को बारह सौ देने का वादा किया गया जिसे आगे तीन हजार तक पहुँचाने का वादा है इसका असर दो करोड़ बहत्तर लाख वोटरों पर पड़ा इनके अलावा शिवराज सरकार सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण का ऐलान कर चुकी है जबकि बारहवीं पास करने वाली मेधावी छात्राओं को स्कूटी देने का भी वादा किया है फायदा तो है हमको कि जावल मिल गया गेहूँ मिल गया अपन को कोई खरीदना नहीं पड़ा लेकिन कुछ राहत है बीस किलो तक मिल जाता हाँ, किलो मिल जाता बहुत महत्वपूर्ण है सर हमको उनको काफी राहत मिली है कम से कम हमको अनाज खरीदने की जरूरत पड़ती है और बाकी जो भी मतलब लाडली बहना का पैसा मिलता है घर में तो खर्च हो ही जाता है परिवार में बाकी बहुत महत्वपूर्ण है भोपाल में मुफ्त राशन के वितरण के लिए करीब साढ़े चार सौ राशन की दुकानें मैं इस वक्त एक इलाके में हूँ चेतना प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार मरिया भोपाल ये पीएनटी चौराहा भोपाल का इलाका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ लाभार्थी आज सुबह सुबह मुफ्त राशन लेने यहाँ पर पहुँचे हैं और इस राशन की दुकान में करीब 400 रजिस्टर्ड लाभार्थी हैं जिनको हर महीने प्रति व्यक्ति पाँच किलो गेहूँ और चावल मिलता है इस वक्त दगड़ी यादव जो एक लाभार्थी हैं उन्होंने अभी अभी यहाँ से गेहूं लिया है और इनके परिवार में करीब छह लोग हैं और इनको तीस किलो अनाज मुफ्त में दिया गया है देखा जाए तो ऐसे ही वायदों से कांग्रेस ने कर्नाटक में चुनाव जीता था लेकिन विंध्याचल के उस पार से इस पार आते आते अपने वादों की ताकत को वो भूल गई या उन वादों की ताकत कमजोर पड़ गई। कर्नाटक में कांग्रेस ने दो हजार महिलाओं के खाते में सीधे डालने का वादा किया था वहां कांग्रेस की जीत से बीजेपी ने सबक ली और मध्य प्रदेश में बाजी पलट दी उस आशीर्वाद को मैं बार बार नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ मैं कहता था कि भारतीय जनता पार्टी को अद्भुत जीत हासिल होगी लोग कहते थे क्यों मैं तब मेरी नारी बहना है साथ मध्य प्रदेश की तरह ही छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी बीजेपी महिला वोटरों को लुभाने में पूरी तरह कामयाब रही छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने महतारी वंदन योजना के तहत विवाहित महिलाओं के लिए बारह हजार रूपए सालाना मदद का वादा किया वहीं रानी दुर्गावती योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के घर बेटी पैदा होने पर उसके लिए डेढ़ लाख रुपए की बीमा का वादा किया है हालांकि जवाब में दिवाली के वक्त कांग्रेस ने भी गृह लक्ष्मी योजना का ऐलान किया जिसमें महिलाओं को सालाना पंद्रह हजार रूपए देने का ऐलान किया गया लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी इसलिए छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी ने बाजी मार ली उसी तरह राजस्थान में भी बीजेपी ने महिला वोट पर सीधा फोकस रखा राजस्थान में रेप की घटनाओं के मद्देनजर बीजेपी ने वादा किया था कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए वो एंटी रोमियो स्क्वाड बनाएगी उसी तरह हर जिले में महिला थाना और 3000 महिला डेस्क बनाने का भी ऐलान किया साथ ही बारहवीं पास करने वाली बच्चियों के लिए स्कूटी का भी वादा किया ये वादे इसलिए भी चुनावों में बीजेपी के लिए कारगर साबित हुए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं महिलाओं का सवाल हर चुनावी रैलियों में उठाते रहे यहाँ तक की चुनाव जीत जाने के बाद जब वोटरों का शुक्राना जताने का समय आया तब भी पीएम मोदी ने अपने इस ब्रह्मास्त्र की चर्चा जरूर की जिसमें महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में तैतीस फीसदी आरक्षण का प्रावधान है आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम ने देश की माताओं बहनों बेटियों के मन में नया विश्वास जगाया है आज देश की हर महिला में ये भरोसा जगा है कि भाजपा सरकार में उनकी सक्रिय भागीदारी को नई बुलंदी मिलने वाली है आज हर बहन बेटी को साफ साफ लगता है कि बीजेपी ही नारी गरिमा नारी सम्मान नारी सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी है इस बार राजस्थान में सबसे ज्यादा युवा वोटरों ने अपने वोटों का इस्तेमाल किया खास बात यह है कि महिलाओं युवाओं का वोट सबसे ज्यादा बीजेपी को गया इसकी रणनीति खुद प्रधानमंत्री मोदी बना चुके थे जब उन्होंने जातियों के शोर में अपने हिसाब से चार जातियां बनाई उनमें से एक जाति महिला है और दूसरी युवा वर्ग इस चुनाव में देश को जातियों में बांटने की बहुत कोशिशें हुई लेकिन मैं लगातार कह रहा था कि मेरे लिए देश में चार जातियां ही सबसे बड़ी जातियां हैं और जब मैं इन चार जातियों की बात करता हूँ हमारी नारी शक्ति हमारी युवा शक्ति हमारे किसान और हमारे गरीब परिवार महिलाओं और युवाओं का भरोसा बीजेपी के लिए जीत की गारंटी बन गया जाहिर है कि ये दाव आगे दूसरे दल भी आजमाने की कोशिश करेंगे ब्यूरो रिपोर्ट एनजीटीवी इंडिया तो पाँच साल पहले आदिवासियों की पहली पसंद कांग्रेस थी महिलाएं तो इस बार बीजेपी के साथ गईं जैसा आपने इस रिपोर्ट में देखा लेकिन आदिवासी जो हैं वो इस बार क्यों कांग्रेस का साथ छोड़ रहे हैं इस बार बीजेपी की हो गई आदिवासी पसंद इससे कांग्रेस को काफ़ी नुकसान हुआ है और सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो छत्तीसगढ़ में देखा जा रहा है जिस तरह पिछली बार आदिवासियों ने कांग्रेस को दिल खोलकर वोट दिए थे वैसा ही इस बार भी दे दिया होता तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस के हाथ से निकलता नहीं लेकिन आदिवासियों ने अबकी बार बीजेपी पर भरोसा किया है कांग्रेस इस नारे में ही उलझी रही कि छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया और छत्तीसगढ़ के लोगों ने अपने चुनावी हुक्म सुना दिया कि छत्तीसगढ़िया के लिए तो बीजेपी ही बढ़िया है और इसमें भी छत्तीसगढ़ के आदिवासियों ने सबसे बड़ी भूमिका निभा दी जो आदिवासी कांग्रेस के परंपरागत वोटर माने जाते थे वो बीजेपी के साथ चले गए हमने गुजरात के चुनाव परिणामों में भी ये देखा है जिस कांग्रेस ने आदि समाद, आदिवासी समाज को कभी पूछा तक नहीं उस आदिवासी समाज ने कांग्रेस का सफाया कर दिया यही भावना आज हमने एमपी छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी देखी है कांग्रेस जिस गढ़ में हार से सबसे ज्यादा सन है वो छत्तीसगढ़ है छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की आबादी बत्तीस फीसदी है और उनके लिए आरक्षित सीटें उनतीस है 2018 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने 29 में से 26 सीटें जीती थी जो इस बार 11 रह गईं। रह गई बीजेपी को 2018 में आदिवासी सीटें सिर्फ तीन मिली थी लेकिन इस बार वो बढ़कर 17 हो गई हैं। यानी आदिवासियों की ये 17 सीटें नहीं मिली होती तो बीजेपी बहुमत का आंकड़ा हासिल नहीं कर पाती दरअसल छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के बीच धर्मांतरण का मुद्दा एक गंभीर सवाल बनता गया बीजेपी ने भूपेश बघेल सरकार पर धर्मांतरण कराने का आरोप लगाया भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ को कांग्रेस के दरबार का एटीएम बनाकर रखा है एटीएम बनाकर बना कर रखा है छत्तीसगढ़ के मेरे आदिवासी युवा के अधिकार का पैसा दिल्ली दरबार की कांग्रेस की तिजोरी में जाता है दलित युवा का पैसा दिल्ली दरबार की कांग्रेस की तिजोरी में जाता है और मेरे पिछड़ा वर्ग के युवा भाइयों बहनों का अधिकार भी इनके एटीएम के थ्रू दिल्ली में जाता है छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार दूसरी तरफ बीजेपी ने आदिवासी वोटों की मोर्चाबंदी के लिए अपने सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा बस्तर में कराई वहां गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे उसी तरह बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी की दूसरी परिवर्तन यात्रा आदिवासी बहुल जशपुर में शुरू की इससे बीजेपी ने आदिवासी वोटों को अपनी झोली में कर लिया जिसके बारे में कांग्रेस इसी भ्रम में जीती रही कि आदिवासी तो उनके सिवाय कहीं जाएंगे ही नहीं छत्तीसगढ़ का की तरह मध्य प्रदेश में भी, भी यही हुआ यहाँ भी आदिवासियों की पसंद बीजेपी हो गई। मध्य प्रदेश में आदिवासियों के लिए आरक्षित सीटें सैतालीस हैं। 2018 में बीजेपी ने 16 आदिवासी सीटें जीती थी लेकिन इस बार उसकी 8 सीटें बढ़ गईं और उसने 24 सीटें जीत ली दूसरी तरफ कांग्रेस ने 2018 में 30 सीटें जीती थी लेकिन इस बार उसकी 8 सीटें घट जाने से कांग्रेस को 22 सीटें ही मिली उसी तरह राजस्थान में बीजेपी को 2018 में 9 आदिवासी सीटें मिली थी जो इस बार बढ़कर बारह हो गई है वही कांग्रेस को 2018 में 12 सीटें मिली थी जो इस बार घटकर 10 हो गई बीजेपी ने बहुत बारीकी से आदिवासियों के दिल में उतरने वाली जुगत पर काम किया एक आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर पीएम मोदी पहले ही संकेत दे चुके हैं कि उनके दिल में आदिवासियों के लिए कितनी जगह है उस पर से बीच चुनाव में आदिवासियों के भगवान कहे जाने वाले बिरसा मुंडा के गांव जाकर भी उन्होंने चुनाव वाले राज्यों को संकेत दे दिया जवाब में आदिवासियों के वोट ने बीजेपी को तीन तीन राज्यों में सरकार बनवा दी ब्यूरो रिपोर्ट इंडिया। तो छत्तीसगढ़ से लेकर राजस्थान तक जो आदिवासी वोट हैं वो बीजेपी के साथ रहे 100 100-200 वोटों से जो जीत हार हुई है लेकिन क्या उसने भी सरकारों का समीकरण बदल दिया है उत्तर भारत के तीनों राज्यों छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई लेकिन एक मध्य प्रदेश को छोड़कर बाकी दोनों राज्यों में कांग्रेस ने भी चुनावी लड़ाई को एक तरफा नहीं होने दिया है उसका नतीजा ये निकला कि कई सीटों पर जीत और हार का फैसला चंद वोटों के फासले से हुआ है हालांकि ऐसा कांग्रेस और बीजेपी दोनों के साथ हुआ अगर कम वोटों से मिली जीत कांग्रेस के पक्ष में जाता तो क्या कहीं उसकी सरकार बन पाती इसको समझने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट छत्तीसगढ़ के अब भी उप मुख्यमंत्री है कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं। पिछली बार जब कांग्रेस छत्तीसगढ़ का चुनाव जीती थी तो मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे लेकिन इस बार चुनाव में उनकी ऐसी हार हुई है जिस पर उन्हें बार बार अफसोस हो रहा होगा कि काश सौ वोटों का किसी तरह इंतजाम कर लिए होते सिंहदेव सिर्फ चौरानवे वोटों से हार गए पूरा पूरा सरप्राइज था क्योंकि विश्वास था भरोसा था कि जीतेंगे भारतीय जनता पार्टी खास करके ट्राइबल बेल्ट में बस्तर और सरगुजा संभाग बस्तर की बारह सीटें हैं सरगुजा की चौदह सीटें इसमें बारह में से चार ही सीट कांग्रेस जीत पाई बस्तर में और सरगुजा संभाग में एक भी नहीं जीत पाई तो जी ये जो एकदम से बड़ा गैप आया ये हार का कारण कांग्रेस का बन गया सिर्फ सिंहदेव ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ में ऐसी बारह हार हुई हैं जो पांच हजार से भी कम वोटों के फासले से हुई हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के चार विधायक पांच हजार से कम वोटों से जीते हैं जबकि कांग्रेस के ऐसे विधायकों की संख्या सात है अगर ये बारह की बारह सीटें बीजेपी को ही मिल जाती तो भी उसके विधायकों की संख्या चौवन से बढ़कर बासठ हो जाती यानी जीत दो तिहाई बहुमत से हो जाती इनमे दो विधायक तो ऐसे हैं जिनमें किसी ने 18 वोटों से विजय पाई है तो किसी ने चौरानवे लेकिन ये सारी सीटें अगर कांग्रेस कांग्रेस की की झोली में गिरती तो की सीट 35 से बढ़कर चालीस हो जाती फिर भी वो बहुमत के आंकड़े से काफी पीछे रह जाते छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की दिक्कत ये हो गई कि उसके सिंहदेव जैसे ताकतवर नेता भी चंद वोटों से अपनी सीट गवा बैठे जबकि चुनाव के दौरान वो ये कहते रहे कि अगर अब की बार मुख्यमंत्री नहीं बने तो फिर उनका राजनीतिक संन्यास है लेकिन लगता है कि जनता ने ही उनके राजनीतिक संन्यास की पटखतार लिख दी इसी तरह मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी कई सीटें हैं जहां हार जीत का फैसला मामूली वोटों से हुआ मध्य प्रदेश में 5,000 से कम वोटों के फासलों से 42 सीटों पर फैसला हुआ इनमें बीजेपी 17 जीत गई और कांग्रेस 24 सीटें एक उम्मीदवार तो सिर्फ अट्ठाइस वोट से जीत गया लेकिन अगर मामूली मार्जिन से जीती गई ये सारी की सारी सीटें कांग्रेस को भी चली गई होती तो उसके खाते में 18 और सीटें जुड़ जाती इस तरह चौरासी सीटें तक पहुंचकर भी वो बहुमत से काफी पीछे ही रह जाती यानी कांग्रेस जिस हार पर हाथ मल रही है वो हाथ मलने वाली नौबत तब भी रहती इस मुकाबले में हम मध्य प्रदेश के मतदाताओं का फैसला स्वीकार करते हैं आज विरोधी दल के नाते और आगे भी जो हमारा कर्तव्य है हम उस कर्तव्य पर डटे रहे वहीं राजस्थान में भी कुछ सीटें ऐसी रहीं जो किस्मत वालों को मिली राजस्थान में 34 सीटों पर हार जीत का फैसला 5000 से कम वोटों के फासले से हुआ इनमें बीजेपी ने 16 सीटें जीती और कांग्रेस ने अगर कांग्रेस ये चौतीस सीटें भी जीत लेती तो उसकी झोली में कुल बयानवे सीटें ही होती है कि राजस्थान के लोगों ने कांग्रेस को हराने का मन बना लिया था अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भले ही ये कह रहे हो कि उन्होंने सोचा क्या था और क्या हो गया देखते देखते मुझे उम्मीद थी कि जनता बदला लेगी उनसे कि आप लोग लोकतंत्र तो तो हत्या कर रहे थे सजा गिराने काम कर रहे थे जैसे आपने मध्य प्रदेश कर्नाटक महाराष्ट्र में करी तो मैंने कहा जनता बदला लेगी हो सकता है कि जनता वो बात समझ नहीं पाई होगी चुनावों में ऐसे मोड़ आते हैं जब किसी उम्मीदवार की किस्मत का ताला बस चंद वोटों से ही खोल देते हैं इस बार भी ऐसा ही हुआ लेकिन इससे किसी दल की बहुमत पर कोई असर नहीं पड़ता ब्यूरो रिपोर्ट एनजीटीवी इंडिया